हाँ डॉक्टर बोलिए। सर वो ताड़पत्र हमारे हाथ से निकल गया। कैसे कैसे मिस हुआ? नारोली और उसके आदमियों को मारकर उसने उससे वो ताड़पत्र छीन लिया और लेकर भाग गया सर। अभी वो किधर है बताओ। वो अभी चेन्नई की तरफ ही आ रहा है, हमें बताया गया है। वहाँ उसके कोई रिश्ते के चाचा रहते हैं, उनसे मिलने वो पक्का वहाँ जाएगा। चेन्नई में कहाँ है तुम्हें पता है क्या? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, पता चलते ही मैं खबर करूंगा। और उसका एक फोटो भी आपको मैंने मेल किया है सर, बाकी सब आप देख लेना। वो बहुत ही तेज तर्रार है सर, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसे कैसे पकड़ना है, उसे कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। पहले आप चेन्नई के लिए रवाना हो जाओ। हाँ ठीक है। बे भाई वो ग्राउंड में आ गया है। ऐसा क्या? ए चल बे। ए यही है वो, पकड़ उसे। अरे कौन है आप? थोड़ा फास्ट चलाइए ना प्लीज। चलती हुई ऑटो में ऐसे अंदर आ गए? ठीक है कहाँ जाना है? कहीं पर भी चलिए। कहीं भी का क्या मतलब होता है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं। हाँ बोलो, क्या वो मिल गया? मिला था सर, लेकिन फिर मिस हो गया। इडियट्स, एक काम तुमसे नहीं होता, ये बताने के लिए फोन किया किस एरिया से उसे मिस किया तुमने? शेनाई नगर के ग्राउंड से सर। हमेशा की तरह मिस कर दिया क्या? हाँ सर, वो मिल गया था फिर भी मिस कर दिया उसे। किस एरिया से? शेनाई नगर सर। वहाँ का इंस्पेक्टर कौन है? सर वहाँ के इंस्पेक्टर का नाम मोटा रमेश है। मोटा रमेश, आइए भाई साहब, क्या दूं आपको? भाई इडली देना। ए चटनी डालो। जय जय शिव। जी साहब। कोई पुलिस वाला तुमसे कुछ मांगता है तो तुम मना कर देते हो, तुम्हें धंधा करना है या नहीं करना? अभी धंधा नहीं हुआ है साहब। तेरा धंधा हुआ या नहीं हुआ इससे मुझे मतलब नहीं है, एरिया में रहना है कि नहीं रहना। बोनी भी नहीं हुई है साहब। जाकर लेकर आ पहले। हाँ ठीक है, चल जा। हेलो। हेलो, एक छोटा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए ना। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक जरूरत की चीज, एक ताड़ पत्र लेकर एक आदमी आपके कंट्रोल में आने वाले शेनाई नगर एरिया से हमारे आदमियों के हाथों से मिस हो गया है। क्या कहा सर? ताड़ पत्र? सर उसे लेकर वो इस तरह तो नहीं घूमेगा, उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं हम।
उसकी पर्सनल डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। मुझ पे भरोसा है ना आपको? डेफिनेटली डेफिनेटली सर। रात में मैं होटल डायमंड पार्क में रहूंगा, 8 बजे के बाद उसकी जो भी डिटेल्स है मुझे भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके, हम उसको पकड़ लेंगे, डोंट वरी सर। क्यों भाई, सांभर ठीक बनाया ना? नहीं बनाया तो मुझे बताना, दुकान ही उठा दूंगा इसकी। चलता हूँ। कौन हो भाई? जी फादर से मिलना है। आप उनसे अभी ही मिल सकते हैं, वो अभी प्रेयर हॉल में हैं। मैं रामेश्वरम से आ रहा हूँ और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। ऐसा है क्या? वो प्रेयर हॉल में हैं, जाकर मिल लो। नमस्ते फादर। नमस्ते। एमपी रागल। रागल? मैं रामेश्वरम से आया हूँ। वो द्वारका सिंह का भतीजा रागल? जी हाँ फादर। वहाँ सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं फादर। मुझे रामेश्वरम जाकर बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। बचपन में तुम्हें देखा था, इतने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा था। क्या हुआ रागल? मैं बोलते ही जा रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। व्हाट हैपेंड टू यू माय सन? फादर, मेरी जान को बहुत खतरा है फादर। मेरे पास जो सबूत है वो छीनने के लिए और चाचा के सपने को तोड़ने के लिए मेरे दुश्मन शिकारी की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा क्या? जी हाँ फादर, इसलिए मुझे फौरन कंबोडिया जाना होगा। उसके लिए एक स्पीड बोट की जरूरत है। कंबोडिया जाने के लिए बोट किस लिए चाहिए? फ्लाइट से जा सकते हो। उसमें एक मुश्किल है फादर, उस साइंटिस्ट ने बहुत सारे लोगों को मेरे पीछे लगा दिया है और वो पैसे और पहचान छुपा कर रखने वाला है। जब वो चेन्नई में अपने लोगों के साथ आया तो मौका देखते ही उसने तुरंत मुझ पर अटैक कर दिया। अगर फ्लाइट या शिप में जाऊंगा तो उनके हाथ लगी जाऊंगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में उनके लोग हैं। ऐसा क्या? मेरी जान पहचान का एक स्पीड बोट के बारे में जानने वाला आदमी है, उसके बारे में मैं तुम्हें पूछताछ करके बताता हूँ। ठीक है फादर। वो ताड़पत्र जब तक तेरे पास है तब तक देश का भला होगा, अगर यही दुश्मनों के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। रागल, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तू इनकार मत करना। बोलिए फादर। तेरे कंबोडिया जाने तक यहाँ रहने में ही तेरी भलाई है। रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। ए सुन। जी साहब। इधर आ। क्यों, कल एक आदमी यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, तू जानता है कौन है वो? किसके बारे में बोल रहे हैं सर? जिससे मैंने पूछा था सांभर ठीक बना है कि नहीं बना। ओ, उसके बारे में? उसे तो मैंने कल ही देखा था साहब, आज से पहले इस एरिया में उसे मैंने नहीं देखा। हाँ, तूने देखा नहीं? नहीं देखा। वो दोबारा आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, समझ गया ना? ठीक है साहब। ये ले बेटा। भाई साहब, मोमबत्ती का एक पैकेट देना। एक 2 रुपए का है पैकेट, 20 रुपए का है। ठीक है, दो। ये लो। ए, एक सिगरेट का पैकेट देना। सिगरेट का पैकेट मेरे पास नहीं है, ये मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। सिगरेट नहीं है तो दुकान खोल कर क्यों बैठा है? एक नंबर का पागल है तू। देख रहे हो ना भाई, कितना रुआब से बात करके जा रहा है। कौन है पता नहीं, बहुत टाइम से गाड़ी यहाँ खड़ा करके रोज मेरा दिमाग चाटते रहता है। हेलो हेलो जेसी,
को इसके घर के पते पर छोड़ दो। जल्दी 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 फास्ट भगा, जल्दी भगा, जल्दी भगा, क्या कर रहा है? कुड़िया तुम्हारा घर कहाँ है? भाई फोन आ रहा है। फोन को छोड़, तू जल्दी गाड़ी भगा, जल्दी से पकड़ना है उसे। ए, रुक रुक रुक, वहां बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। जा उसे मार। अरे ये तो भाई है। अरे हाँ, ये तो भाई है। मारो मारो। अरे मारो। हेलो फादर। हाँ रगर, कंबोडिया जाने के लिए उस कैनेडी ने बोट रेडी कर दी है, ऐसा उसने अभी अभी फोन करके मुझे बता दिया, इसलिए मैं फौरन यहाँ से निकल रहा हूँ फादर। वेरी गुड रगन, तुम यहाँ चर्च आकर ही जाओगे ना वहाँ पर? नहीं फादर, इन हालातों में मैं वहाँ नहीं आ सकता। ठीक है रगन, तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगा। याद रखना ईश्वर तुम्हारे साथ है। थैंक यू फादर। जेसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक फ्रेंड से मिलने आया था। ठीक है, ऑटो में बैठो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है। जेसी, यही जगह है, जरा गाड़ी रोकना। थैंक्स जेसी। तुम कहो तो मैं वेट करूँ? नहीं, मुझे देर होगी, तुम जाओ। कमरा 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 कमरा, ये उस तरफ क्यों जा रहा है? He's the only guy gonna smoke you down. He belt patrol, wanna beat you down. The belly toe, let it choke, camo, let it choke. Never got you down by this close show. So come on, yeah, I'm coming for you. Rolling swords like hills on, I told you. Never got you down, pick on a hold you. All I told you is mine, I told you. Gamera, gamera. Struggle is for the people. I'm trying on what I got. I'm holding on all I got. Hey, घूर क्या रहा है? बैग मुझे दे, बैग मुझे दे।
किधर गया वो? सुन, तू झाड़ी के पीछे देख, जल्दी जा। ठीक है, इधर आओ, इस तरफ आओ। वो लोग चले गए, चलो चलते हैं। हाँ छोड़ो मेरा। जैसी, क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। जो कह रहा हूँ सुनो, अगर वो लोग वापस आ गए तो? आने दो, कौन हो तुम? वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि पुलिस वाले भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब मुझे सच सच बताओ, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने ऐसा क्या किया है बताओ? मेरे चाचा एक बहुत बड़े वैद्य थे और दवाइयों के बारे में वो हमेशा जांच किया करते थे। बिना बीमारी के लोग किस तरह अपना जीवन जिए और उन दवाइयों में क्या क्या गुण होते हैं और उन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया और आज तक मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। इंसान के अंदर जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है कैंसर, और मेरे चाचा उसी बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे वैद्य कैंसर पर रिसर्च करने के लिए लगे हुए थे। मेरे चाचा बहुत मेहनत करके बस उसी पर शोध कर रहे थे और उस दवा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो मेरे चाचा ने मुझे बताया था, और पुराने साधुओं ने उस आयुर्वेद के ग्रंथ को कहाँ छुपा कर रखा था वो भी मेरे चाचा ने ढूंढ निकाला, और उससे पहले जो दवा मेरे चाचा ने बनाई थी वो थोड़ी बहुत उनके पास बची हुई थी। मेरे चाचा जी को बर्मा देश की दवाइयों के बारे में बहुत कुछ पता था, बीमारी कैसे पैदा होती है और उसे कैसे खत्म करना चाहिए और उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सारी बातें मुझे मेरे चाचा ने बताई थी। सही एक्सरसाइज से शरीर बीमार ना हो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने मुझे सिखाई थी, इसलिए हमारे गांव के बच्चों को खुद की सुरक्षा के लिए वो एक्सरसाइज मैं सिखाता था जिससे गाँव के सारे बच्चे बहुत ही सुदृढ़ और निरोगी बने रहे। उसी समय मेरे गाँव में एक आदमी कैंसर की बीमारी से बहुत परेशान था। पुराने वैद्यों द्वारा जो भी दवाइयाँ बनाई गई थी उन्हीं दवाइयों के सहारे मेरे चाचा उसका इलाज कर रहे थे, और उसी दवा के सहारे वो रोगी कैंसर से धीरे धीरे ठीक हो गया। सुनिए, वो उठ गए हैं, आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी अब ये कैसे हैं? अब आपके पति पूरी तरह ठीक हो गए हैं, आपका बहुत संभाल बहुत कर ले जाइए। तभी हमारे गांव में एक डॉक्टर आए और जल्द ही उसके बारे में हमें पता चला। और डॉक्टर कैसे हो? आओ भाई, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बताया आपका दोस्त कोई साइंटिस्ट है, कैंसर के ऊपर कोई दवाई बना रहा है वो। अच्छा, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? हमारे आयुर्वेदिक दवा से कैंसर के इलाज के लिए दवा बना ली है। एक रोगी था जिसका इलाज किया तो पूरी तरह ठीक हो गया। ये बात है, ये कैसे हो गया? वो बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है। वैसा नहीं है डॉक्टर, वो बीमारी ऐसे ही ठीक नहीं हुई है, तीन तरह की दवा बनाकर उसे ठीक किया है। ओहो, ये बात है। हाँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों डॉक्टर? अच्छा, तुम मेरी एक मदद करोगे क्या? मुझे उस पेशेंट के पास ले चलोगे क्या? उसे सामने देखोगे तो यकीन करोगे क्या? उसकी एक वजह है, ये लो, कल उसे लेकर आ जाओगे ना? ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ, अगर मैंने कहा वैसे करोगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो मेहता सर। डॉक्टर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। फाइन डॉक्टर, कहिए। रामेश्वरम में एक बुजुर्ग ने कैंसर की दवा बनाई है डॉक्टर। व्हाट, कैंसर की दवा? हाँ सर, एक पेशेंट को उसने अपनी दवा से बचा लिया है सर। नो, इट इज इम्पॉसिबल। कैंसर की दवा इस जमाने में कोई बना ही नहीं सकता। सर आप फौरन यहाँ आ जाइए। रियली? हाँ सर, मैं फौरन अगली फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ
हाँ, जैसे ही फोन किया मैं फौरन पहुंच गया। नमस्ते सर, नमस्ते। आइए सर, अंदर है, घर उधर है। कम, आइए आइए सर, चलो चलो। आइए सर। नमस्ते सर। बैठिए सर। सर, मैंने उसे क्लिनिक में बुलाकर उसका चेकअप किया, उसमें कैंसर का कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखा सर। वाकई में? हाँ सर। ये उसकी ट्रीटमेंट के बाद की रिपोर्ट है सर। ये ट्रीटमेंट के पहले की रिपोर्ट है। मिराकल, चांस ही नहीं है डॉक्टर। हाँ, ये लो मैडम। ओके सर। इसमें तो डॉक्टर पेशेंट को कैंसर हुआ है ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ। ये है सर पवन सिंह। नमस्ते सर। नमस्ते। यही हमें उनके बारे में बताएंगे। हाँ। ये द्वारका सिंह के पास काम करते हैं। द्वारका सिंह, पवन सिंह, नाम ही कुछ अजीब है। हाँ सर, हाँ सर, मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। माजी जरा ठीक से कूटो। ठीक है माजी। हाँ हाँ, आराम। चाचा कहाँ है? ऊपर वाले माले पर हैं। ऊपर है? ठीक है, आइए चलिए। ये डॉक्टर तो गलत आदमी है, यहाँ क्यों आया है? सर आप वहां जाकर बैठिए, मैं देखकर आता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, बोलो। आ? क्यों आए हो? आपसे मिलने के लिए चेन्नई से डॉक्टर आए हैं। आता हूं। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बैठिए। हाँ। बैठिए। बोलिए अंकल, मैं डॉक्टर वेंकट हूँ और ये साइंटिस्ट हैं मिस्टर रॉबर्ट मेहता। हेलो सर। नमस्ते। बहुत बड़ी बात है सर। कैंसर ही नहीं सर, आने वाली नई नई बीमारियां भी आपकी आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो सकती हैं सर, ऐसा आपने साबित कर दिया है। हैट्स ऑफ टू यू सर। सर, हमारे जैसे मेडिकल कॉर्पोरेट कंपनी वालों के लिए आपने जो दवा तैयार की है उसे बनाने और मार्केटिंग करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। वी वॉन्ट योर परमिशन सर, प्लीज। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अंकल, आपने जो कैंसर के लिए दवा बनाई है वो ये दुनिया भर के गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। एक्चुअली हम लोग आपको सर्विस देना चाहते हैं और हर गरीब तक ये दवा पहुंचे हमारी यही सोच है। ठीक है, आप कैसे करना चाहते हैं? सर, हम लोग साइंटिफिक तरीके से टैबलेट्स और इंजेक्शन बनाकर मार्केटिंग करना चाहते हैं। आपके इस छोटे से गांव में रहकर ट्रीटमेंट करने से तो अच्छा है कि हमारे साथ मिलकर इस पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके पैसा कमाएं। ओह, तो आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं। चाचा, आज तो हर काम बिजनेस जैसा ही हो गया है। हाँ ठीक है, अगर आप इस दवा से व्यापार करेंगे तो इस दवा से गरीबों का भला कैसे होगा। हाँ ये सब रहने दो, मैंने कैंसर की दवा बनाई है ये बात आपको किसने बताई? ओके, द्वारका सिंह। मिस्टर द्वारका सिंह, आप अपनी जड़ी बूटी की दवा मत बताइए, आप बस उस पुरानी ताड़पत्री में जो फॉर्मूला है आप उसे हमें दे दीजिए तो काम हो जाएगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं मेरी समझ में आ गया। जहाँ तक मेरा सवाल है उस दवा की अभी तक जांच नहीं हुई है। आप लोग जा सकते हैं। बुजुर्ग होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको जितना पैसा चाहिए बताइए, आप बस उस ताड़ पत्री में जो लिखा है वो हमें दे देंगे तो बहुत है। अपना पैसा आप अपने पास ही रखिए, मुझे पैसे मत दिखाइए। ए चाचा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये इतने पैसे दे रहे हैं, चुपचाप रख लीजिए और इधर उधर भटकने से अच्छा है बाकी की जिंदगी खुशहाली से गुजारिए। बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं। इज्जत से बात कीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है यहाँ से जाओ। मैं वो ताड़ा पत्र यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इज्जत से यहाँ से जाते हो या नहीं? ओके डॉक्टर, कूल कूल कूल, सॉरी सॉरी, जाने दो। बुड्ढा सा दिया गया।
ताड़पत्री 3 पीढ़ियों से हमारे खानदान की सुरक्षा में है। इसके बिना कोई भी उस गांव में रहने वाला कैंसर की दवा नहीं ला सकता। ये वह तो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जान को अगर कोई खतरा हुआ तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये ताड़पत्री बहुत ही मूल्यवान है। किसी भी वजह से ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके पहले ही तुम इसे कुल्ली मलाई में ले जाकर छुपा दो, ये वहाँ सुरक्षित रहेगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ सीताराम नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, इस एरिए में उसकी बहुत चलती है, उसके जरिए ले लेंगे। नो नो नो, वो रास्ता नहीं। अगर हमारा ये प्लान मिस हो गया तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। केयरफुली हैंडल करना होगा। लगता है कोई दूसरा ही तरीका अपनाना होगा। सर, आप लोग उस बूढ़े के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक भतीजा भी है, वो चालाक है, उसे संभालना भी मुश्किल है, वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। ओह आई सी, इसका कोई भतीजा भी है क्या? सर, सीताराम के बारे में आपको पता नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। चलिए चलते हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए बैठिए। क्या बात है, सब लोग साथ में आए हुए हैं, कुछ खास बात है क्या? हमारे दरिया के किनारे में इंथोनियार का त्योहार आ रहा है ना। हाँ। तो आपके भतीजे से मिल करके जाने के लिए आए हैं। ये बात है, ये तो हर साल होता ही है। हाँ। चाचा, हर साल तो ये होता ही है, इस साल भी बिना झगड़े के आप ही को इसे शांति से पूरा करवाना है। इस साल मैं रागल को वहाँ भेजता हूँ। वो अच्छा लड़का है, सब कुछ सही कर देगा। उसने कुछ बताया क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बोला। ये नहीं बोल रहा है तो और मारना चाहिए था ना। कैसे नहीं बताएगा? ए, मशीन ऑन कर। आप कैसे मुंह नहीं खुलता मैं देखता हूँ। ए, काट दे इसको। रास्कल, ये वहाँ क्या बोला था? 10 लाख रुपया देता हूँ, मुझे 3 लाख का माल दो। और मेरे पास से माल लेकर गया और फिर ऐसे ही दूसरी जगह जाकर माल खरीद रहा है। काट दे। तू मुझसे चालबाजी करेगा, तेरी चमड़ी निकाल कर धूप में सुखा दूंगा। काट। भैया, बड़े भैया आए। चलो बे। हाँ भांजे, अंदर आना चाहिए था ना। मैं यही ठीक हूँ मामा। वो क्या कह रहा है? उससे ही उगलवा रहा था, उतने में तू आ गया। वो छोड़ो मामा, एक खास बात है, एड़वाड़ी समुद्र का किनारा अपने हाथ से निकल जाएगा। अरे लेकिन वहाँ पर तेरा दुश्मन कौन है? मामा, पहले जैसा नहीं है। यहाँ अभी मुंह खोलोगे तो वो हाथ उठा देते हैं। मैं नहीं जाता, इसे सबको चर्बी चढ़ गई है क्या? तू जा, मैं देख लूंगा। भैया, पियो भांजे। बोल भाई, नीलामी शुरू हो गया है। मेरे पहुंचे बिना नीलामी कैसे शुरू हो गई? फोन रख। है पैसा लेकर आ, नीलामी का काम शुरू कर दिया भांजे। ये लीजिए भाई साहब। बेतालम से लड़कियां आने वाली है, उन सबको उतार कर उन सबकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। जी भाई, भूलना मत। जी भाई, जा अभी। ठीक है, चलो रे। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। बहुत दिनों से मिले नहीं। एक छोटे से काम से बाहर गया था इसीलिए नहीं मिला। एक जरूरी काम है इसीलिए मिलना है, मिल सकते हो? ठीक है, मैं एक छोटे से काम से बाहर जा रहा हूँ। आप कहाँ हो? वेलू चिट्टम के पास हूँ। मैं भी उसी रास्ते से आ रहा हूँ, अब वहीं रुको, मिलकर बात करते हैं। ए, गाड़ी को वेलू चित्तम की ओर घुमा। ए, कोई बाहर मत निकलना, यही रुकना, मैं बात करके आता हूँ। हाँ भाई, ठीक है। नमस्ते डॉक्टर। आओ सीताराम, आओ। कोई खास बात है क्या डॉक्टर? किसी को टपकाना है क्या? किसी को टपकाना नहीं है सीताराम, एक चीज निकालनी है। कौन सी चीज? ये लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं। अमाउंट बड़ा लग रहा है, तो सामान भी भारी होगा।
हाँ। तो वो चीज कहाँ है? वो जो अपने बूढ़े वैद्य जी है ना, उनके पास एक चीज है, वही निकालनी है। वो वैद्य के घर में क्या? हाँ, उस चाचा के भतीजे को मालूम नहीं होना चाहिए। उस वैद्य के बारे में इनको बढ़िया से पता है, वहाँ पर जाने के लिए इनको अपने साथ रख लो। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, मैटर बाहर लिखना हो। फिक्र मत करो डॉक्टर, आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। हाँ। लो भाई लो, संभाल के संभाल के संभाल के। ए, इसे ठीक रख दो। ये किनारे पर भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? और सिंगा भाई की गाड़ी खड़ी दिख रही है, जरूर वहां पर कोई ना कोई तो बात है। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले जाकर देखता हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाना। हाँ ठीक है। कल तो मेरा बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ, बहुत नुकसान है आजकल। जरा इधर आ। अरे ये कहाँ से आ गया, फंस गई। क्यों रे, आजकल तुम मच्छी खरीदने नहीं आती, क्या सोच रही है? मेरी नजर चील जैसी है, कोई मेरी नजर से बच नहीं सकता। नहीं भाई साहब, वो कल उसे। अरे तेरे लड़की को मार लगा है, जल्दी जा। पैसा मांगा तो तू अपना फ्लैशबैक बता रही है, तू सीरियल देखकर बहुत बिगड़ गई है, पैसा दे। आजा। ये क्या करे, छोड़ दीजिए। ये साहब की औरत है, तूने तेरा पैसा दे दिया ना, तेरा काम खत्म हो गया। तू इसके बीच में मत पड़, इसने अपना पैसा नहीं दिया है, कोई बीच में नहीं आएगा। चल चल। ये क्या भाई जी, एक औरत को आप इस तरह धक्का दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये देख, औरत को बचा नहीं रहा। भाई जी धंधा करने आई, इसे छोड़ दीजिए। ये तुमसे किसी ने पूछा क्या? इसको धंधे के लिए मैंने पैसा दिया था। पैसा दिया है तो औरत पर हाथ उठाओगे क्या? हाँ, सिर्फ औरत को ही हाथ लगाता हूँ। और ये जो मेरे बाजू में खड़े हैं ना, ये लोग सिर्फ मर्द को ही हाथ लगाते हैं। जाओ खातिरदारी करो। हे, मेरा पैसा मुझे दे, देखेंगे नहीं। रुक, अरे भाग देना भाई। मारो उसे। रागल, जाने, ए, 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 मर जाएगा। अरे छोड़ो, ये हमारी गांव की औरतों के साथ हमेशा गड़बड़ करता रहता है, इसकी वजह से औरतें यहाँ पर आना नहीं चाहती। क्या बोल रहा है वो? क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर मैं नहीं आता तो तू मर जाता। मेरी 40 साल की सर्विस में मुझे हाथ लगाने वाला बस तू ही है।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे जा, चल जा, चलो रे, चलो। गया, सब गया। गांव वालों का हमारे ऊपर का डर सब निकल गया। अब कोई भी हमसे नहीं डरेगा। भाई मैं उस जगह पर नहीं था। ए! मुझे भी कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है। है तू? उस औरत का घर कहाँ है? अब मैं उसके घर के सभी लोगों को उठाऊंगा, नहीं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। भाई अभी जाकर उठाते हैं। क्या रे, इस समुंदर के किनारे का किंग तू ही है ना? एक मामूली आदमी ने तेरी धुलाई कर दी, तू उसे घर जाकर नहीं उठा सकता और तू उसका सामना भी नहीं कर सकता। ये तो मैंने तुझे पहले ही बताया था, वो नहीं रहेगा तभी हमारा काम हो सकता है। मैं जो कहता हूँ वो सुन। हाँ तो बोलना। तुझे पता है ना, हमें वो ताड़ पत्र चाहिए, हमें दिमाग लगा के हासिल करना पड़ेगा। भाई अगर वो वहाँ भी आ गया तो ए, उसे भी उठा लेंगे। हाँ ये सही है। ए, गाड़ी जल्दी घुमा, जल्दी जल्दी, अबे जल्दी। रागल यहाँ आओ। जी चाचा जी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो उन्हें बचा लो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, परेशान मत हो, आता हूँ। नंदारी भैया, मैं सुधा बहन के घर जा रहा हूँ, तुम दवा की पेटी लेकर आ जाना। भैया उसमें तो दवा खत्म हो चुकी है। ओ ये बात है, वो दवा मैंने वैद्य लोगों को दे दी इसीलिए खत्म हो गई। अब क्या करूँ। ठीक है चलो देखते हैं। हाँ। क्या हो गया, ये उठ ही नहीं पा रहे। क्या हो गया, इन्हें क्या हुआ है चाचा जी? इसके गले में कैंसर है बेटा। क्या हो गया इन्हें गुरुजी, बताइए ना। मैं तुम्हारे सगे वालों को बता देता हूँ। क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा? मूर्ति, मूर्ति, नंदारी, मूर्ति कहाँ है? देखो। मैं देख करके आता हूँ। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। ये क्या सारे सामान बिखरे पड़े हैं? मूर्ति, मूर्ति, कहाँ हो तुम? क्यों चाचा, कैसे हो? सुना है तुम्हारे पास ताड़ है? ताड़? भाई वो ताड़ नहीं, ताड़ पत्र है। हाँ, हाँ, वो हमें चाहिए। बहुत सारे लोगों की जान बचाने वाली उस ताड़ पत्री के बारे में तुझे बताने के लिए ही मैंने संभाल कर रखा है। ए, बुजुर्ग आदमी समझकर इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत लेनी चाहिए ना। ताड़ पत्र दे दो, नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। मेरी जान को कोई खतरा हुआ तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये ताड़पत्री बहुत ही मूल्यवान है, किसी भी वजह से ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ चाचा, कहाँ है जल्दी बताओ, नहीं तो समझ गए ना। ए, क्या वो मिला क्या? नहीं भाई, उसे कहीं छुपा दिया है। छह बेईमान, ये देख, तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुझसे जो बन पड़े वो कर ले। ऐसा क्या? भाई वो आदमी ताड़ पत्र लेकर भाग रहा है। ए, पकड़ो। ए, रुक। ये क्या, सीताराम यहाँ आकर जा रहा है? चाचा, 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 ये क्या हो गया चाचा? वो ऐसा करके क्यों चला गया चाचा? ऐसे वक्त पर कोई नहीं है चाचा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं चाचा, मैं क्या करूं? चाचा जी क्या हुआ? सीताराम अपने आदमी को लेकर के आया, उनकी ऐसी हालत करके चला गया। चाचा जी मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। अब समय नहीं है,
मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। नन्नारी वो तार पत्री लेकर गया है, वो सीताराम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो वो तार पत्री वो लेकर चला जाएगा और वो उसका दुरुपयोग करेगा। वो तार पत्री बचा लो, उसे बचा लो, जाओ जल्दी। मैं साथ में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी उसे बचा लो। जाओ बेटा जाओ, इधर आओ, यहाँ सुनो। ए चाचा का ख्याल रखना। तुम जाओ रागल, मैं इनका ख्याल रखूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। हे भगवान, कहां तक भागेगा? सीताराम से कोई भी बच नहीं सकता। चल वो ताड़ दे। भाई वो ताड़ नहीं, ताड़पत्र है। दे बे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ इसको। क्या देख रहा है बे? छोड़ो उसे। अरे भाई, मैंने जो वादा किया था निभा नहीं पाया, ऐसे हाल बना दिया इन जालिमों ने। वो चाचा अपनी जान नहीं बचा सका और तुझे लगा तू हमसे बच जाएगा? समय पर मौत आ जानी चाहिए। ए बुड्ढे, यहाँ मत चिल्ला, यहाँ तुझे कोई नहीं सुनेगा, शायद ऊपर वाला सुनेगा। ए चलो चलते हैं। तो फिर से आ गया, अब की बार तुझे जान से मार देंगे। मुझसे तो बच सकता है, लेकिन तुझे मारने के लिए और भी तुझे कोई ढूंढ रहा है, और तू उसे नहीं बच सकता, जरूर मरेगा। और ये जो ताड़ पत्र है, यही तेरी मौत की
वजह बनेगा। हेलो, मुझे माफ कर दो राजा। हेलो कैनडी। हाँ, मैं हार्बर के अंदर आ गया हूँ। आप कहाँ पर हो? सर, मैं लकड़ी चढ़ाने वाले जहाज के पीछे हूँ। मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ। तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं बोट के साथ रेडी हूँ। ओके। जेरी, मैं तो बोल रहा हूँ। हेलो सर। ताड़ पत्र के साथ अभी एक आदमी तुत्तुकुड़ी से एक बोट में बैठकर भाग रहा है। ऐसा क्या? समंदर के अंदर अपने आदमियों को भेज दो, उससे कंबोडिया जाना है। अगर कंबोडिया जाना है तो अंडमान होकर ही जाना पड़ता है। अंडमान के पास ही उसे रोक लो। यस सर। वो किसी भी कारण से बचना नहीं चाहिए जेरी। ओके सर। क्या हुआ, फोन ही नहीं उठा रहा है? सर, वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। हाँ, उठाया। हेलो, कबूका कंबोडिया, वेलकम टू कंबोडिया। तुम उस द्वारका सिंह के ही भतीजे हो ना? बाय द वे, आई एम अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट मेहता।
हे, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ढूंढते हुए रामेश्वरम, चेन्नई, तूतुकुड़ी, अंडमान और अभी कंबोडिया में आकर अटक गए। हाँ, कितना पुलिस फोर्स, कितना पॉलिटिकल फोर्स, मेरा टाइम वेस्ट, मेरा पैसा वेस्ट। हेडले, टेक हिम आउट। लॉक हिम। नो। Oh my god. Deadly, net tackle. Yeah. इतने दूर आकर भी अपना रंग दिखा रहे हो? हेडली, इसे मारकर वो फॉर्मूला ले लो। वेरी गुड हेडली, कम ऑन। वो फॉर्मूला मिलने तक उसे जिंदा रखना होगा, इसे साथ में लेकर चलो। He is very precious to me. Let's go. रागल, क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? वो तुम्हारे हाथ से निकल गया यही सोच रहे हो ना? तुम्हें जहाँ जाना है वो जगह बगल में ही है। वो ताड़पत्री तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या हुआ? जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में है ना? वही सोच कर जाओ बेटा, तुम्हारी जीत होगी। वही पुराना मंदिर। यस, मिल गया। शशांक गुंबज। यस यस, I have got it. Come. ताड़पत्री जहां पर है उसकी सीमा में तुम्हारे पैर पड़ते ही तुम्हारे अंदर एक बदलाव महसूस होगा। तुम जितनी देर करोगे उतना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। रुको मत बेटा, जल्दी करो, जाओ। We'll be right back.
सर। सुपर, वी आर ऑन द स्पॉट। तुम दोनों वहां जाओ, चलो देखते हैं। वेरी गुड एडली, वेरी गुड, किल दैट ट्रैप, उसे मार दो। हे, रुक जाओ प्लीज। यू एंड मी फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, ओके? आई विल गिव यू लॉट ऑफ मनी, ऑफिशियल, ओके? नो, you want me to fight? I am a scientist, come, okay? End of plan. क्या हुआ जॉली, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? राजा ने मुझे मैसेज भेजा है फादर। अच्छा, क्या मैसेज है, बताओ। वो जिस काम के लिए गया था वो हो गया, और लिखा है कि कल सुबह तक वो यहाँ आ जाएगा। बहुत खुशी की बात है। उसने इस मैसेज को सोशल मीडिया पर डालने के लिए कहा है। ऐसा क्या, तो फौरन डाल दो। ठीक है फादर। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर के लिए दवा बन चुकी, ये बात सच है, और जिसने बनाई है उसका नाम रागल है, वो कुछ ही देर में आता ही होगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको उन्हीं से मिल जाएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। वो देखिए, रागल यहाँ पहुँच गए। आपने जो कैंसर के दवा के बारे में न्यूज़ दिया है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये हकीकत है, इसलिए मैं अपने साथ ही लेकर आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरे चाचा जी ने इसी दवाई का इस्तेमाल करके
एक लास्ट स्टेज वाले कैंसर के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। सर, ऐसी खोज को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन आप सोशल साइट पे इसे शेयर कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? इस दवाई को कभी किसी से छुपा कर नहीं रखना है, हर इंसान का मुफ्त में इलाज होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और एक बात, इस पवित्र औषधि का कभी व्यापार नहीं होना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर ये मैसेज मैंने पहले ही भेज दिया है, और उसी मैसेज को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है और अभी मेरे सामने खड़े हो। और अब इस दवाई को मैं पूरी सुरक्षितता के साथ गवर्नमेंट के पास सौंपने जा रहा हूँ, जिसके जरिए सरकार इसके इस्तेमाल से देश भर में इसका प्रचार प्रसार करके कैंसर को जड़ से निकाल सकती है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ना जानने वाले भी बहुत से लोग हैं, तो आप लोगों के जरिए ये बात उन तक पहुंचाई जाए, जिससे वो बेचारे लोग भी इसका फायदा उठा सके। हम जरूर पहुंचाएंगे सर, हम जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। अंकल आ गए। हेलो बच्चों। अंकल आ गए। अंकल आ गए। अंकल आ गए। अंकल आ गए। क्या कर रहे हो बाबा? दूर हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। Yeah!